लव स्टोरीज किसको पसंद नहीं है। आज के ज़माने में शायद लव का मतलब बहुत अलग हो, लेकिन ये फीलिंग बहुत ही प्यारी होती है। अगर किसी को उनका सच्चा प्यार मिल गया है तो उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी है एक कपल की जिनकी शादी को 79 ईयर्स हो गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताई और इस जिंदगी को अलविदा भी एक साथ ही कहा। ओहायो का ये कपल सच्चे प्यार की एक मिसाल बन गया है। ह्यूबर्ट और जून मेलिकोट का जन्म जुलाई 1922 में हुआ था और इन दोनों कपल ने 8 जून 1943 को एक दूसरे से शादी कर ली थी। उसके बाद इनके 3 बच्चे हुए थे। आज की डेट में इनके 3 चिल्ड्रन, 7 ग्रैंड चिल्ड्रन और 11 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। लगभग 8 दशक साथ बिताने के बाद इस कपल ने आखिरी सांसें भी साथ में ही ली थी। ह्यूबर्ट मेलिकोट की डेथ 30 नवंबर को 9:15 में हुई थी और जून ने उसी दिन 5:40 में अपनी आखिरी सांसें ली। इस कपल की मौत के बाद उनके बेटे सैम मेलिकोट ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पेरेंट्स की मौत से दुखी तो हैं, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हर उस खुशी का अनुभव लिया है जो एक खुश व्यक्ति को लेना चाहिए। इस कपल की लव स्टोरी भी बहुत ही प्यारी है। इनकी मुलाकात एक यंग एज में हुई थी। इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को चर्च में देखा था और फिर उसके बाद दोनों को प्यार हो गया था। ह्यूबर्ट वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट करने के लिए चले गए थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि जून उनका इंतजार करेगी या नहीं। लेकिन उनको सरप्राइज मिला जब वो वर्ल्ड वॉर 2 से वापस आए तो जून उनका इंतजार स्टेशन में कर रही थी। अपनी शादी के 79 ईयर्स में ये दोनों कपल एक बार भी लड़े नहीं थे, ना ही इनकी कोई बहस हुई थी। इनकी बेटी ने बताया कि वो हर रात एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को गुड नाइट बोल के ही सोते थे। सुबह उठते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। और ये एक या दो दिन नहीं बल्कि हर दिन वो ऐसा करते थे। इस लव स्टोरी ने ये प्रूव किया है कि सच्चा प्यार हो सकता है। फिर आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑन एयर भारत को।